हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू क्लैट अडर 24/7। माय नेम इज शिखापुरी, योर लीगल एजुकेटर। और ये जितनी भी रूमर्स के बारे में बातचीतें हो रही हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। आज का सेशन किस बारे में बात कर रहा है? एमएचसेट, जो महाराष्ट्र के लिए तुमने लॉ का एग्जाम देना है। अब यहाँ पर हमें पता है कि सुबह सुबह हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गई। अब जब नोटिफिकेशन आई, जैसे ही कुछ भी चीज़ होती है ना, जैसे ही कुछ भी चेंजेस होते हैं, उसके बाद में बच्चा मुझे नहीं पता तुम्हें कहाँ से रूमर्स आने लग जाती हैं, कौन तुम्हें चीज़ें बताने लग जाता है, और उसके बाद से बस एक बच्चा घबराता है और हज़ार बच्चों को वो घबराने स्टार्ट कर देता है कि भैया ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो आज जो जितने भी ये रूमर्स हैं या फिर बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। देखो बच्चा, अभी नोटिफिकेशन जो है वो क्या आई है, इसको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन तुम्हारे सामने यही आई है, सेकंड एक्सटेंशन ऑफ एमएएच एलएलबी 3 ईयर सेट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। पहली तो नोटिफिकेशन ये किस बारे में बात करती है कि आपकी एक्सटेंशन दी गई है फॉर्म फिलिंग के लिए। किसके फॉर्म फिलिंग के लिए? आपके एमएएच एलएलबी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब लॉ के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए एप्लीकेशन जो है वो बढ़ा दी गई है, स्टार्ट डेट थी 11/1/2024, उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट एक्सटेंशन मिली 10/2/2024 हो गया, उसके बाद में सेकंड एक्सटेंशन मिली है 21/2/2024, मतलब फेब के 21 तारीख तक मिल गई है। अब यहाँ पर इन्होंने रीज़न भी दिया है, एक रीज़न ये दिया है कि भैया जब हम 10/2/2024 जो थी हमारी सेकंड एक्सटेंशन हुई तो हमें बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज आई, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने भी हमें कॉल किया कि जो फॉर्म फिलिंग है उसको एक्सटेंड कर दीजिए। जब ये वाली कॉल, ये सब कुछ हुआ, इसलिए हमने क्या किया, फॉर्म फिलिंग की एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया। और अब क्या डेट कर दी गई है, 21/2/2024। अब यहाँ पर एक और चीज़ प्रॉपर क्लैरिफाई कर दी है कि इसके बाद से तो बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, और प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कैंडिडेट शुड टेक अ नोट ऑफ दिस, कि कैंडिडेट्स को ये नोट करना पड़ेगा। अब चाहे तुम जितनी मर्जी कॉल्स कर लो, फॉर्म फिलिंग के लिए एक्सटेंड डेट नहीं हो सकती, ये यहां पर प्रॉपर बता दिया गया है। अब रूमर क्या फैल रही है कि भैया क्योंकि एप्लीकेशन की फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को एक्सटेंड कर दिया है, तो क्या जो एग्जाम डेट है वो भी पोस्टपोन कर दी जाएगी? तो बच्चा अब एक बात को क्लियर करो, अभी क्या इस रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आई, क्या कुछ इस तरह का आया, न्यूज़ में कुछ भी आया कि एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी? तो ये सारी इतनी रूमर्स क्यों फैला रहा है, क्यों कोई भी फैला रहा है? तो एग्जाम डेट अभी हम नहीं मान के चलेंगे कि पोस्टपोन होगी, जब होगी तो देखा जाएगा, मे भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब जिस तरह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो रही है, और ऊपर से बहुत चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली में एक सिनेरियो अभी चल रहा है, एक महीने के लिए 144 वगैरह अप्लाई कर दिया, तो बहुत चीज़ें, ये चीज़ें हैं बच्चे हैं, लेकिन वही है कि हमें किस तरह से काम करना है। बेटा तुमको हमेशा क्या लेकर चलना है कि जो हमारी डेट मेंशन अभी तक की गई है, जो नोटिफिकेशन में डेट है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करके चलो, और अपना प्रेपरेशन उतना रखो कायम, इतनी की तो तुम्हारी प्रेपरेशन होनी चाहिए कि अगर मान लो एक्सटेंड नहीं हुआ डेट, है ना, एग्जाम डेट एक्सटेंड नहीं हुई, तुम उस भरोसे में बैठे हो कि अब तो मेरे पास और टाइम हो गया, अब तो मैं और पढ़ सकता हूँ, और पढ़ाई कर सकता हूँ, अगर मानो डेट एक्सटेंड नहीं हुई, फिर तो तुम्हारा रह गया ना सिलेबस। तो प्लीज़ इस चीज़ को मत करो, जितना तुमने पढ़ाई की है अच्छे से पढ़ाई करो, मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम की डेट सामने है, अगर एक्सटेंड होनी होगी तो वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन उसके बाद में मत लो टेंशन ये वाली, ठीक है, कि एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी। अभी जितनी पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज बार बार मैं बोल रही हूँ, इन सारी रूमर्स, इन सारी चीज़ों से मत अपने को डिस्ट्रैक्ट करो, प्लीज आप अपना काम करते रहो, अपने मॉक्स देते रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो, और एग्जाम तुमको भी पता है बहुत पास आ गया है। अब एग्जाम अगर तुम्हारी अभी भी पढ़ाई तुमने स्टार्ट नहीं की है, अभी भी तुमको, देखो मैं क्योंकि ना सारे के सारे एमसीक्यू सेशन वगैरह ले रही हूँ, तुम्हारे फंडे बच्चा क्लियर नहीं है, तो अगर अभी भी फंडे क्लियर नहीं है ना, तो अब इट्स हाई टाइम कि अच्छे से तैयारी कर लो। एक महीने की बात है बच्चा, फिर अच्छे से सब कुछ बाद में कर लेना चीजें, लेकिन तैयारी अच्छे से कर लो। तो अड्डा 24/7 की साइट में तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें बिल्कुल कोर स्टडी चाहिए, कुछ और नहीं करना है, बस ध्यान से एक स्टडी करो, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, प्रॉपर टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट स्टडी करवा रहे हैं, मॉक्स मिल रहे हैं, हर चीज़ तुम्हें मिल रही है, इतना स्कैटर होने की कहीं पे ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाओगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे और लॉ एंट्रेंस में जाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ, पूरी 80 तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, क्यों, क्योंकि अगर वो अप्लाई करते हो तो तुम्हें दो बड़े सरप्राइज मिलते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हो तो क्या होता है, शॉक में चले जाते हो, ठीक है, ये मैं सच में तुम्हें बोल रही हूँ, शॉक लग जाता है अगर तुम नहीं करते हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको लगा है, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, एमएससीटी में जाएंगे, तुम्हारे लिए दोनों कोर्सेज, अगर तुम 5 ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर 3 ईयर के लिए कर रहे हो, दोनों के लिए तुम्हारे लिए अवेलेबल है। 3 ईयर में जाओगे, यहाँ पर 30,000 दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इससे भी कम हो जाएगा बच्चे, बाय नाउ पे जाके व्हाट यू हैव टू अप्लाई, पूरी 80,
बस पूरी 80 कोड को अप्लाई करो और उसके बाद देखो किस तरह से तुम्हारा 80% डिस्काउंट हो गया। ये तो एक छोटू, ये तो सरप्राइज है ही है बच्चे, ये तो है ही है कि पूरी 80 कोड यूज करने से तुम्हें 80% डिस्काउंट मिल जाता है। पूरी मेरा सरनेम 80 क्या है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसके बाद तुम टेलीग्राम जब ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पता लगता है असली सरप्राइज और शॉक का। तो इसलिए पूरी 80 कोड यूज करना बहुत जरूरी है अगर तुम तैयारी कर रहे हो। तो बच्चा अच्छे से तैयारी करो, मेहनत अच्छे से करो, रूमर्स पर ध्यान मत दो। अगर एग्जाम डेट पोस्टपोन होनी होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, चाहे चांसेस भी बन रहे हैं तब भी, ठीक है। चलो बच्चा अपना प्लीज ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा।